हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है एक और वीडियो के साथ। तो सभी लोग वीडियो को लास्ट तक देखना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज हम लोग बात करेंगे किस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग करने है अगर आपके परसेंटाइल कम है और अगर आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग चाहिए तो कैसे आपको चॉइस फिलिंग करना। ये मेरे पिछले साल का डाटा, एक बच्चे का मैंने रजिस्ट्रेशन किया था, ठीक है, और उसका चॉइस फिलिंग भी किया था जिसका नाम है प्रशांत कुमार, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा। जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिंग करोगे ना, आपको 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। 20 मिनट के अंदर आपको चॉइस फिलिंग कर लेना है, नहीं तो आपका सीजन एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। देखो, मैंने अभी इसमें मात्र 63 ही कॉलेज सेलेक्ट किया है, और भी किया था लेकिन इसमें शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं लाइन से, ठीक है। देखिए, यहाँ पर मैंने सबसे पहले क्या डाला है, कौन सा कॉलेज डाला है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में भोजपुर डाला है, बक्सर डाला है, मधुबनी डाला है, नवादा डाला है, शेखपुरा डाला है, सिवान डाला है। बहुत सारे का बच्चों का मन में क्वेश्चन रहता है कि भैया चॉइस फिलिंग में कैसे चॉइस फिलिंग किया जाए, ठीक है, अगर हमको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग चाहिए तो। देखो, इस तरीके से अगर आप चॉइस फिलिंग करोगे ना तो 100% आपको कॉलेज मिलेगा, ठीक है, 100% आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिलेगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना कि भोजपुर में पहले यहाँ पर कंप्यूटर साइंस डाल दिया, फिर भोजपुर में यहाँ पर सिविल डाल दिए, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिकल डाल दिया। लेकिन यहाँ पे चॉइस फिलिंग करने का तरीका देखो, ठीक है। सबसे पहले हमने यहाँ पे बांका डाला है, फिर भोजपुर डाला है, फिर बक्सर डाला है, मधुबनी डाला है, नवादा डाला, शेखपुरा डाला, सिवान डाला, और ये सारे कॉलेजेस में मैंने सिर्फ एक ही ब्रांच चूज़ किया। कौन सा ब्रांच चूज़ किया? कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ठीक है। चलिए अगला पेज में भी देख लेते कि क्या है। देखिए, बेसिकली इस बच्चा को सबसे पहले सिविल चाहिए था, ठीक है, प्रशांत कुमार जो भी बच्चा था, ठीक है, इसको सिविल चाहिए था, जिस कारण से, ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने 53 कॉलेजेस में सिविल चूज किया था, ठीक है। 53 मतलब 53 कॉलेजेस में हमने सिविल और 54 कॉलेजेस में हमने सिविल चूज़ किया था, ठीक है। जैसे कि कंप्यूटर साइंस का भी मैं डाटा बता रहा हूँ, उसके बाद मैंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग चूज़ करना शुरू किया था। जैसे 55 पे अरवल डाला, फिर बांका डाला, फिर भोजपुर डाला, फिर बक्सर डाला, जैसा कि आपने देखा, ठीक है। तो अगर आपको UGSC में चॉइस फिलिंग करना है, ठीक है, चॉइस फिलिंग अगर आप ढंग से करते हो ना तो 100% कॉलेज मिलेगा, ठीक है। अब मेरा कॉन्सेप्ट वही है कि अगर आपको जो ब्रांच चाहिए उसको सबसे पहले चूज करो, ठीक है। देखो, इस बच्चे को सिविल चाहिए था तो हमने सारे कॉलेजेस में, ठीक है, बिहार के जितने भी कॉलेजेस, सारे कॉलेजेस में सिविल पहले चूज कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या चूज किया? कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ठीक है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ यही दो ब्रांच चूज करना है, आपको सारे ब्रांच चूज करना है, ठीक है। अभी जैसे यहाँ पर सिविल चूज कर लिया, कंप्यूटर साइंस चूज कर लिया, उसके बाद आपके मन में कुछ मन में क्वेश्चन हो गया, भैया इलेक्ट्रिकल चूज करें या नहीं, मैकेनिकल चूज करें या नहीं। देखो बाबू, अगर कम परसेंटाइल ना तो आप सारे ब्रांच चूज कर लो, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है? CSE चूज करना है, ठीक है। सेकंड में सिविल चूज करना है, ठीक है। थर्ड में आपको ECE चूज करना है, ठीक है। फोर्थ में आपको इलेक्ट्रिकल चूज करना है, फिफ्थ में आपको मैकेनिकल चूज करना है, ठीक है। ये सारे ब्रांच आपको चूज करना था। और भी कुछ डाटा हम दिखाते हैं, आप लोग को वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको क्लियर हो पाएगा किस तरीके से चॉइस फिलिंग किया जाता है। आप देख सकते कि किस तरह से मैंने चॉइस फिलिंग किया है यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले देखो, यहाँ पे 20 नंबर मैंने नवादा डाला, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, जो जो कॉलेज उसके घर के नज़दीक था सबसे पहले वो कॉलेज डाला मैंने, ठीक है। फिर DCE दरभंगा डाला, फिर बख्तियारपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग डाला, उसमें सिविल इंजीनियर, BMC मधेपुरा डाला, गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में सिविल इंजीनियर, कटिहार में डाला, BCE भागलपुर में डाला, ठीक है। तो मतलब चॉइस फिलिंग अगर आप अच्छे से करते हो ना तो 100% आपको कॉलेज मिलेगा, ठीक है। देखो, यहाँ पे अभी 63 इंस्टीट्यूट ही दिखा रहा है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट का। अगर आप टोटल ब्रांचेस चूज कर लोगे ना, ठीक है, सारे कॉलेजेस में, ठीक है, टोटल ब्रांचेस अगर सारे कॉलेजेस में चूज कर लोगे तो ये कम से कम 200 या 500 300 200 या 100 कुछ दिखाएगा, ठीक है, 206 या 253 करके दिखाता है टोटल स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट चॉइस फील्ड चॉइस, मतलब जितना ज़्यादा चॉइस फिलिंग में डालोगे, ठीक है, उतना ज़्यादा शो करेगा। जैसे यहाँ पे 26 है तो यहाँ पे 26 शो करना चाहिए, लेकिन और भी डाटा है जो नीचे हाइड हो जाता है, ठीक है, वो दिख नहीं पाता है, ठीक है। अब जैसे ही आप चॉइस फिलिंग कर लोगे उसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है। मान लो मैंने टोटल कॉलेज का चॉइस फिलिंग कर लिया, उसके बाद क्या करना है? देखो, उसके बाद आपको सिंपली से एक काम करना है, यहाँ पे देख सकते हो दो चीज़ आ रहा है, ठीक है, आई एग्री टू लॉक माई चॉइस, ठीक है, आई विल लॉक माई चॉइस लेटर, ठीक है। कहने का मतलब है कि क्या आप
एग्री है अपना चॉइस को भर लॉक करने के लिए, ठीक है। और एक कह रहा है कि आप बाद में लॉक करोगे तो चले कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे ही आपका चॉइस फिलिंग कंप्लीट हो जाएगा आपको लॉक कर लेना है, ठीक है। अगर आप लॉक नहीं करोगे तो आपको कॉलेज अलॉट नहीं होगा, ठीक है। चॉइस फिलिंग करने के बाद आपको ये चीज़ लॉक कर लेना है, ठीक है। अगर आप एक बार में कन्फर्म हो जाते हो ठीक है, अगर नहीं हो जाते तो फिर आप बाद में लॉगिंग करके एडिट भी कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब भी आप इसको लॉगिंग करोगे कुछ एडिट करोगे तो आप लॉक जरूर करना, चॉइस फिलिंग को लॉक जरूर करना, तभी आपके लिए फ़ायदा रहेगा। और लॉक नहीं करोगे तो आपको कॉलेज अलॉट नहीं होगा, ठीक है। 100% कॉलेज अलॉट नहीं होगा, तो प्लीज़ सभी लोग लॉक करना। और आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। डीप में डिस्कशन भी करेंगे इसके बारे में हम लोग आगे जाके जब चॉइस फिलिंग चालू हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय।